हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है इंक्रिप्शन। आदम इसे सोल्व करेंगे। एन इंग्लिश टेक्स्ट नीड टू बी इंक्रिप्टेड यूजिंग द फॉलोइंग इंक्रिप्शन स्कीम। फर्स्ट द स्पेस आर रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट, लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस टेक्स्ट, देन करेक्टर्स आर रिटन इन टू अ ग्रिड हुज रोज एंड कॉलम द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। फ्लोर फंक्शन ऑफ अंडर रूट एल लेस देन इज इक्वल्स टू रो less than is equals to column less than is equals to sil function of under root l. For example, the sentence s is equals to if man was meant to stay on the ground, God will have given us roots. After removing spaces is 54 character long. Under root of 54 is between 7 and 8, so it is written in the form of a grid with 7 rows and 8 columns. बेसिकली हमारे पास एक सेंटेंस दिया होगा, सबसे पहले हमें उसके स्पेस हैं उसको रिमूव करना है। स्पेस को रिमूव करने के बाद हमें उसका स्क्वायर रूट लेना है और उसके हमें फ्लोर फंक्शन और जो हमारा सिल फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ग्रिड के फॉर्म में एक तरह से लिखना है। जैसे इन्होंने ये वाला लिखा हुआ है, इफ़ मैन वाज, हमारे पास जो रो आई थी वे 7 थी एंड 8 कॉलम्स थे। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमेशा ज़्यादा ही होगा नंबर ऑफ रो से या इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर कॉलम 8 हैं और हमारी जो रो हैं वो 7 है। और यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो हमारा फ्लोर फंक्शन है अंडर रूट एल का वो ही रो से छोटा होगा, इसलिए जो हमारा बड़े वाला नंबर होगा जैसे यहाँ पर 8 आता है, जो हमारा सिल फंक्शन है अंडर रूट 54 का उसे हम कॉलम लेंगे और जो फ्लोर फंक्शन है उसे हम रो लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या है, उन्होंने एक रो में 8 कॉलम्स बनाए हुए हैं और उसमें हमारे जो ये सेंटेंस है उसको डाला हुआ है। इसके बाद देखते हैं हमें करना क्या है। इंश्योर डैट रो मल्टीप्लाई कॉलम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एल। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे रो मल्टीप्लाई कॉलम है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे एल के होने चाहिए। इफ मल्टीपल ग्रिड सेटिस्फाई द अबोव कंडीशन चूज द वन विद द मिनिमम एरिया। और हमें अब हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें मिनिमम एरिया वाला उसे कंसिडर करना है, जो हमारा रो मल्टीप्लाई कॉलम आता है हम उसे ज़्यादा नहीं लेंगे। द इनकोडेड मैसेज इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेइंग द कैरेक्टर इन अ कॉलम इंसर्टिंग अ स्पेस देन एंड देन डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट कॉलम एंड इंसर्टिंग अ स्पेस एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल द इनकोडेड मैसेज ऑफ द अबोव रेक्टेंगल इज। हमारे पास जो मैसेज निकल के आते हैं, हमें इन्होंने बेसिकली कहा है कि हमें जो हमारा पहले वाला कॉलम है उसको प्रिंट कराना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद हमें दूसरा कॉलम प्रिंट कराना है, जैसे इन्होंने यहाँ पर प्रिंट करा के हमें दिया हुआ है। जो ये वाला है ये हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज है। इसके बाद हमें क्या है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमारे पास इनपुट फॉर्मेट है ऑन लाइन ऑफ टेक्स्ट द स्ट्रिंग एस, हमें बस एक ही स्ट्रिंग इनपुट करानी है। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 81 होगी, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 81 से ज़्यादा नहीं होगी। हमें आउटपुट में अपना मैसेज को प्रिंट करा देना है। इसके बाद हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स हैं। इसमें भी क्या हुआ है, जो हमारा जो लेंथ है वो 12 निकल के आती है और लेंथ इज़ बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 और 4 के बीच में होता है, तो हमारी 3 रो होगी 4 कॉलम्स होंगे। और जो हमारी ये वाली कंडीशन है इंश्योर डैट रो मल्टीप्लाई कॉलम इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एल, जो हमारी लेंथ है वो उसको भी वेरीफाई करती है। इसके बाद एक और इनपुट दे रखा है, इसके बाद में इसका भी दे रखा है इन्होंने, अंडर रूट 10 है इज गिवन 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू ऑल्सो ग्रेटर देन 10। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, ये हमें देखना, जो हमारा सैम्पल इनपुट 2 है ये काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक अलग से ही पर्टिकुलर केस निकल के आने वाला है। L इज इक्वल्स टू 8, अगर हमारी लेंथ 8 है वो 2 और 3 के बीच में आएगी और 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा हमारा 6, और हमें मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया वाला लेना है वहाँ पर। अगर हमारा अलग कंडीशन आती है तब हमें क्या करना है, हमें जो मिनिमम एरिया वाला लेना है, इसलिए हम मिनिमम एरिया वाला लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि वो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 लेंगे वो 6 हो जाएगा और हम एक जिसके अंदर 6 स्पेसेस होंगे उसमें हम अपनी स्ट्रिंग को एंटर नहीं करा सकते, इसलिए हमें थोड़ी उसकी लेंथ को बढ़ाना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक वाइट स्पेस भी लास्ट में मिल जाता है अगर हम अपने इसको देखें
इनक्रिप्टेड कोड को देखें। इसके बाद सीधा ही हमें बस अपने कॉलम्स को प्रिंट करा देना है। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, हम इसे स्टेप वाइज देखेंगे जैसे इन्होंने कहा हुआ है, हम बिल्कुल उसी तरह स्टेप वाइज चलेंगे और देखते हैं प्रोग्राम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं वो अपनी ही है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद अपनी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम स्क्वायर रूट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं बट यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके लिए हम math.h यूज़ करेंगे, हैशटैग इंक्लूड math.h। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को भी इनपुट कराना है और हमें स्ट्रिंग को आउटपुट भी कराना है, इसलिए हम अपना स्ट्रिंग वाली फाइल भी इंक्लूड करा लेते हैं, string.h। हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद अपना सबसे पहले आएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद अब हमें अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है क्योंकि उन्होंने कहा है स्ट्रिंग की लेंथ 81 हो सकती है। लेट मी शो यू, जो हमारे पास है स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 81 हो सकती है, तो इसलिए हम अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं कैन नाम से। इसके अंदर जो हम पहली वाली स्ट्रिंग लेते हैं एस नाम से, उसका नंबर ले लेते हैं, चलो उसमें 100 डाल लेते हैं, कोई नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारी स्टोरेज है उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हैकर रैंक पे कोई स्टोरेज का यूज़ नहीं होता, हम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगने के लिए हमने 100 ले लिया है और हम एक 2D array डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें उसमें एक तरह से जब हम उसे इनकोडेड करेंगे, इस तरह मैसेज हम इनकोड करेंगे जो ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन, जो हमारा 0 वाला आउटपुट है, अगर हमें ऐसे मैसेज इनकोड करना होगा तो उसके लिए हमें स्टोर कराने के लिए एक 2D string चाहिएगी, तो उसके लिए हम एक 2D string ले लेते हैं। इसके बाद हमारा इनपुट अपने इंटीजर्स डिक्लेयर करेंगे, i कर लेते हैं, j कर लेते हैं क्योंकि हमें 2D भी करनी है, और एक k भी ले लेते हैं, और हमें शायद से यहाँ पे फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा तो फ्लैग के लिए हम ले लेते हैं p, एंड स्क्वायर रूट भी निकालना है और लेंथ भी लेनी है तो उसके लिए हमें एक l ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अपना स्ट्रिंग को इनपुट करने वाला काम, तो हम अपने गेटर से अपनी स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे s में। स्ट्रिंग इनपुट कराने के बाद सबसे पहले हमें उसमें से स्पेसेस निकालने हैं क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें प्रोग्राम के कहा गया है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट द स्पेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द टेक्स्ट लेट l द लेंथ ऑफ दिस टेक्स्ट। सबसे पहले अपने स्पेस रिमूव करने हैं, स्पेस रिमूव देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने फॉर लूप लगाएंगे, i = 0 करेंगे, एंड जो हमारे स्ट्रिंग का ith एलिमेंट है इज नॉट इक्वल टू \0, एंड देन हम क्या करेंगे अपने i को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ स्ट्रिंग का ith एलिमेंट इक्वल्स टू स्पेस देन हमें क्या करना है, हमें कोई स्पेस मिल जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक एक एड्रेस खिसका देना है पीछे की तरफ, इससे हमारा जो स्पेस है वो हट जाएगा और ऐसे ही हमारी लूप चलती रहेगी फॉर लूप और हमारे जितने भी स्पेसेस हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। तो हम करेंगे अब यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, j = i, जब हमें ith एलिमेंट पे हमें स्पेस मिलेगा तो हम j में ith एलिमेंट डालेंगे, j में ith वैल्यू डालेंगे, एंड देन स्ट्रिंग का jth एलिमेंट \0, एंड जे को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एड्रेस किसका देना है \j+1। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के jth एलिमेंट में जहाँ पर स्पेस आया था वहाँ पर हमने दूसरे वाला एलिमेंट डाल दिया है, इससे हमारे जितने भी स्पेसेस हैं वो रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद हम लेंथ को जब इसमें डालेंगे तो लेंथ ली है हमने l में लेंगे लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे strlen, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे और हम अपनी स्ट्रिंग
एस की अपनी लेंथ देख लेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम स्क्वायर रूट पी में स्टोर करेंगे। पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, इससे हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो केस निकल के आता है वो केस होता है, हम यहाँ पर स्टेप वाइज चलेंगे और एक एक केस देखेंगे क्या निकल के आता है। इफ पी मल्टीप्लाई पी इज इक्वल्स टू हमारे होते हैं स्ट्रिंग की लेंथ, हमारा एल एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमें 2D एरे बनाना है। वो अब वो देख लेते हैं किस तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फोर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई की वैल्यू लेस देन पी, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद वापस से फोर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें 2D एरे इनपुट कराना है। फोर लूप लगाएंगे, आई फोर लूप लगाएंगे, जे इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन करेंगे पी के, एंड जे को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इंक्रीमेंट कराने के बाद हमें क्या करना है, अपना जो एरे है 2D एरे उसके ith एंड देन jth एलिमेंट पर स्ट्रिंग का लेट मी हम अपने k को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या करना है हमें, k को यहाँ पर 0 पे इनिशियलाइज कर देना है, एंड देन यहाँ पर स्ट्रिंग का kth एलिमेंट डाल देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने k को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे, इससे हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो हमें मिलती रहेगी। और इसे डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, ये हमारे पास एक केस निकल के आ गया है। ये दूसरा केस जो निकल के आएगा वो है, लेट मी शो यू, ये वाला केस, जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके लिए केस निकल के आता है। तो अपनी एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, सैंपल इनपुट जीरो में जो हमने लेंथ निकाली थी तब हमारी लेंथ 12 आई थी, और जो हमारा फ्लोर फंक्शन निकल के आता है वहाँ से 3 निकल के आता है, और जो हमारा सिल फंक्शन निकल के आता है वो 4 है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 रो और 4 कॉलम करने थे, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्क्वायर रूट लेट से पी आता है, अगर पी मल्टीप्लाई पी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, अगर ये वाली कंडीशन होती है तो अब हमें क्या करना है, फोर लूप लगानी है। और हमें लूपिंग किस तरह चलानी है ये वाली चीज़ देखने वाली बात है। यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू लेस देन, आई की वैल्यू जीरो पे नहीं स्लाइस करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे पी के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फोर लूप लगाएंगे, एंड जे को हम जीरो पे नहीं स्लाइस कर देंगे, एंड जे की वैल्यू होगी लेस देन पी प्लस 1 के, एंड हमें यहाँ पे करना है जे को भी इंक्रीमेंट एंड के को भी इंक्रीमेंट। और सेम ऊपर वाले की तरह हमें ये वाली लाइन यहाँ पर भी लिख देनी है, और हम इस वाली लाइन को यहाँ पर लिख देते हैं। हमने यहाँ पर बेसिक क्या किया है, हमारा जो 2D एरे है उसके अंदर हमने स्ट्रिंग का kth एलिमेंट डाल दिया है, और हमारा ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सेकंड केस। अब लास्ट केस निकल के आता है, और लेट मी शो यू व्हाट इज़ द लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। हम सैंपल नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर जो हमारी लेंथ निकल के आई थी वो 8 थी, और जब हमने स्क्वायर रूट लिया था 8 का तो वो आता है बिटवीन 2 एंड 3, और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है, और वो हमारी लेंथ से कम था। तो जो लास्ट केस निकल के आता है वो ये वाला आएगा, जब हमारा जो लेंथ है वो उससे कम होगी। तो अब हम बेसिक क्या करना है, हमें यहाँ पे केस नहीं लिखना है, हम यहाँ पे सीधा एल्स कंडीशन लगा देंगे। अब अपना एल्स में अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन करेंगे पी प्लस 1 के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट था वो 2 निकल के आया था। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 का एक 2D एरे बनाना है जिसके अंदर हम इनपुट कराएंगे, इसलिए हमने पी प्लस 1 लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, फोर लूप लगानी है, एंड देन
जे को हमें जीरो पे इनिशियलाइज करना है, जे की वैल्यू होगी जो हमारी लेस देन पी प्लस वन होगी, एंड हमें जे को भी इंक्रीमेंट करा देना है एंड साथ में हमें के को भी इंक्रीमेंट करा देना है। इंक्रीमेंटेशन के बाद हमें क्या करना है, एरे के आईथ एलिमेंट एंड जेथ एलिमेंट पर हमें स्ट्रिंग का केथ एलिमेंट डाल देना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने केथ एलिमेंट ये यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि केथ एलिमेंट लेने के कारण हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू को तो जीरो पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और जब हमारी फोर लूप चलेगी, ये इंटरनल वाली फोर लूप चलेगी, तो हमारे के की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और उसी हिसाब से हमारा जो के है वो अंदर हम डालते रहेंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में के को जीरो पे इनिशियलाइज कर दिया था, जिससे उसकी बार बार वैल्यू चेंज ना हो। एंड यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर सेमी कोलन आना है। अब हमारा इतना वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना जो एरे है ये इस तरह से 2D में अपना बिल्टअप कर चुका है। बिल्टअप करने के बाद हमें बेसिक करना क्या है, अब हमें इसे प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है वो भी एक थोड़ा सा ट्रिकी है। हम अपनी फोर लूप लगाएंगे, आई को हम जीरो पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू होगी लेस देन इज इक्वल्स टू पी, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद हमें फोर लूप लगाएंगे वापस से, एंड हम आई को जीरो पे सॉरी जे को जीरो पे इनिशियलाइज करेंगे, एंड जे की वैल्यू भी होगी हमारी लेस देन इज इक्वल्स टू पी, एंड हम जे को इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड इसके अंदर हमें लिखना है, हम यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करेंगे, जब भी हमने यहाँ पर जैसे ही हमने अपनी जे वाली फोर लूप चेंज की थी तो लास्ट में एक वाइट स्पेस आ जाता है, तो हम वाइट स्पेस की हेल्प से देखेंगे कि हमें करना क्या है। जैसे हमने यहाँ पे सी एच आई था, सी एच आई की जो लास्ट में एक वाइट स्पेस है, इसलिए हम उस वाइट स्पेस की हेल्प से ही अपने जो प्रोग्राम है उसको एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ पर स्पेस प्रिंट कराना है। और जब हम प्रिंटिंग की बात करनी है तो हमें प्रिंट किसे कराना है, हमें यहाँ पे सी एच आई प्रिंट नहीं कराना है, हमें सी एल यू प्रिंट कराना है। हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी कॉलम्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर अपनी रोज को इंक्रीमेंट करेंगे, और हम लिखते हैं इफ़ एरे का जेथ एलिमेंट एंड एरे का आईथ एलिमेंट इज नॉट इक्वल्स टू वाइट स्पेस, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे परसेंटाइल सी एरे का जेथ एलिमेंट एंड एरे का आईथ एलिमेंट। जेथ एलिमेंट और आईथ एलिमेंट से क्या है, यहाँ पर हमारी अंदर इंटरनली जे लूप चलेगी, जब हमारी जे लूप चलेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो रोज की वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमने जे आई लिखा है। हमारा जो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे वो हम रो इंक्रीमेंट करेंगे, और सबसे पहले हमें रो का हमारा जो कॉलम है वो जीरो रहेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में है, हमारा जो कॉलम है वो ज़ीरो है, और हमें अपनी रो प्रिंट करा दी है, सबसे पहले जीरो वाली रो प्रिंट कराई है, फिर वन वाली और फिर टू वाली, और सी एल यू हमने प्रिंट करा दिया है। और उसके बाद जब हमें वाइट स्पेस मिलता है इसके बाद में, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं और हम क्या कराएंगे, अपना प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ स्पेस। यहाँ से हमने अपना स्पेस प्रिंट करा दिया है, और आई थिंक अपना हमारा प्रोग्राम है वो कम्प्लीट हो चुका है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपने यहाँ पर अपना जो स्पेसेस है उनको रिमूव किया है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली है और स्क्वायर रूट निकाला है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमने क्या किया है, अपना फर्स्ट कंडीशन लगाई है, जब हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें नंबर जितने हमारे नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जितना हमारा स्क्वायर रूट निकल के आता है। और इसी तरह हमने अपना एक 2D एरे कंस्ट्रक्ट किया है, और जो हमारा के है वो हमारे जो एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है बार बार। इसके बाद में जब हमारा सेकंड वाला केस आता है, जब हमारा जो फ्लोर फंक्शन है और सिल फंक्शन है उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू
सॉरी इट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेंथ। ओके ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेंथ। एंड तब हमारे पास क्या होने वाला है, तब हम अपने यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे और इसी तरह हम अपने जो एरेज है उसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारी रोज़ है वो पी टाइम्स चलेंगी एंड जो हमारे कॉलम्स है वो पी प्लस वन टाइम्स चलेंगे, जो हमारा स्क्वायर रूट है प्लस वन टाइम्स चलेंगे। इसके बाद में हमारा जो लास्ट केस निकल के आता है वो वाला केस है जब हमारे स्क्वायर रूट और फ्लोर फंक्शन है और सिल फंक्शन है उन दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन होती है हमारी लेंथ से, तब के लिए वो हमारा फंक्शन है। इसलिए हमने यहाँ पर दो फॉर लूप लगाई हैं और बेसिकली हमारा जो चला है वो पी प्लस वन चला है क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमम स्पेस लेना था और यहाँ पर जैसे हमने सिंपल जो हमारा सैम्पल आउटपुट टू है उसमें हमने इसी तरह हमने किया है, उसे हम एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक्सेस करना है इनको, हमें प्रिंट कराना था और प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया है, हमें स्टार्टिंग में अपना कॉलम प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पे अपना कॉलम प्रिंट कराया है। कॉलम प्रिंट कराने के बाद अगर हमें वाइट स्पेस मिल जाता है कहीं पे तो हमें वहाँ पर एक स्पेस देके अपना जो प्रिंट एफ वाला फंक्शन है उसे आगे बढ़ा देना है। इसके बाद आई थिंक हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को हैकर रैंक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का आपको एक बेनिफिट होगा, आप वहाँ से मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी पिक ले सकते हैं और उन्हें अपने सीधा ही राइट डाउन कर सकते हैं। इट्स टेकिंग टाइम, व्हाई इट इज शोइंग अपलोडिंग। ओके जो हमारे टेस्ट केसेस हमें कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन अब हम इसे सबमिट कराते हैं। आई थिंक जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं वे सब कंप्लीट हो जाएं। इतने टेस्ट केस कंप्लीट होते हैं इतना आप नीचे कमेंट करें, जो आपकी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।